कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे सेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने वाला हूं, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम सभी लोग जानना चाहते हैं। और हमारी भी समस्या पहले थी, इस प्रोडक्ट के नहीं रहने से भी मुझे समस्या होती थी और महिलाओं को भी ज़्यादा समस्या होती रहती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही जाना। आज का जो ये प्रोडक्ट रिव्यू सेशन है, ये केवल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपके बालों के लिए और हमारे बालों के लिए और हम सभी के लोगों के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या कंपोजिशन है। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका की क्या खूबी है, किस तरह से इसका सेवन किया जाता है और इसका जो फीडबैक है, मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इस प्रोडक्ट के खूबियों के बारे में, कंटेंट कंपोजिशन के बारे में और इसके फीडबैक के बारे में। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का इस वीडियो ट्यूटोरियल में, प्रोडक्ट रिव्यू सेशन में, और मेरे पास आज है आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, ये ओमा का हेयर टॉनिक ऑयल, हर्बल हेयर टॉनिक ऑयल। और ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है सेफ शॉप से। और इस प्रोडक्ट की आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में जो कंपोजिशन मिलाया गया है, जो मिश्रण है जिन चीज़ों का, मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले मिला हुआ आंवला, भृंगराज, उसके बाद से मिला जटामंसी, और उसके बाद से नीम, कपूर और तिल का तेल। ये आप देखेंगे तो ये 7 प्रकार के मिश्रण इसमें मौजूद हैं जो कि आपके बालों को अच्छा रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया, ढेर सारे लोगों से इसका फीडबैक लिया है। ठीक है, और आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है 2 बोतल है, 200 ml का एक बोतल है और 200 ml का दूसरा बोतल है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से खोला इसको, एक पैक में देखिए ये 2 बोतल मौजूद है, इसमें से दोनों मैंने निकाला। ठीक है, और ये 200 ml के ये 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों 400 ml के हैं। और आप देखेंगे तो इसको सेवन करने का जो इसमें तरीका बताया गया है, ठीक है, वो तरीका इसमें लिखा हुआ है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जब सुबह नहा लेते हैं तो नहाने के बाद, सूखने के बाद आपको अपने बालों में लगाना है, और लगाने के साथ आप ध्यान रखेंगे कि आपकी आँखों पर ये तेल ना जाए, केवल बालों तक ही सीमित रहें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको आपको दिन में 2 बार लगाना है, 24 घंटे में। आप रात में लगाएंगे, रात में जैसे सोना है आपको, तो रात में सोते समय आप थोड़ा सा मालिश कर लीजिए, क्योंकि ये केवल तेल नहीं है जो आपको आमतौर पे मार्केट में मिलता है, ये टॉनिक है, हेयर टॉनिक है। और टॉनिक जो होता है हर तरह से काम करता है, बालों के लिए भी काम करता है, पेन रिलीफ जो आपको हेड में होता है उसको भी सही करता है। तो ये बहुत ही अल्टीमेट सोल्यूशन है आपके बालों के लिए, आपके हेड के लिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा एक और जो एक छोटी सी चीज़ है जो इसमें लिखा हुआ है कि आप इसका इसको बच्चों को न छूने दें, और इसको बच्चों को न छूने दें, आप इसका इस्तेमाल करें और बालों तक ही सीमित रखें। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में या इससे पहले जो भी मैंने प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो बनाया हुआ है, वो केवल उन्हीं प्रोडक्ट का बनाया हुआ है जिनका इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ। आप देखें तो ये मेरे पास हेयर टॉनिक है और ये हेयर टॉनिक का बोतल है। तो ये अब मेरा ख़त्म होने वाला है, तो ये मेरा ख़त्म होने वाला है। इसका इस्तेमाल मैं किया, मुझे रिज़ल्ट मिला और काफ़ी लोगों से मैंने फीडबैक भी लिया, तो उन्होंने भी इसके बारे में सही फीडबैक दिया है, जिसका एक छोटा सा एक वीडियो मैं आपके शेयर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हेलो गाइज, मैं अंजलि पांडे हूँ जमशेदपुर से, और मैं यहाँ पे ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने बालों को लेके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं लास्ट ईयर काफी परेशान हो गई थी अपने बालों को लेके, मेरे बाल काफी ड्राई हो गए थे, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थे, कर्ली टाइप से हो गए थे, बहुत ज्यादा उलझते थे, टूटने लग गए थे, इनफैक्ट मेरे बाल काफी टूट भी चुके हैं। तो जब मैं एक बार सेप शॉप की एक मैम से मिली थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम, मैंने उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा था, मैंने इसका बहुत नाम सुना सेप शॉप का, तो उन्होंने मुझे बालों के लिए एप्पल शैम्पू का रिकमेंड किया कि आप एक काम कीजिए, एप्पल शैम्पू लगाइए, आप देखिए, लगा के ट्राई करके देखिए। तो फिर मैंने सोचा जब चलो इतना सारा शैम्पू लगा ही लिया, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। जब मैंने इसको ट्राई किया, यकीन मानिए मेरे बाल काफ़ी काफ़ी हद तक सुधर गए हैं। 2 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये देखिए रिजल्ट।
काफी लंबे हुए, लंबे बहुत हुए मेरे बाल। फर्स्ट सेकंड स्टेट हो गए हैं। और थर्ड में सबसे बड़ी बात कि अगर आप 2 से 3 दिन तक बाल को वॉश नहीं भी करते तो भी आपके बाल काफी स्ट्रेट दिखने वाले हैं और आपके बाल काफी सुंदर दिखने वाले हैं। तो इसका शैम्पू बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग भी इसको ट्राई करें, बेस्ट रिजल्ट है इसका। थैंक यू सो मच। आपको कुछ मैंने फीडबैक दिखाया और बहुत सारे वीडियो है मेरे पास, 4-5 ऑलमोस्ट और वीडियो है मेरे पास दिखाने के लिए आपको, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो मैंने जरूरत नहीं समझा। नेक्स्ट कभी भी आपको ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि अगर ये प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा। और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय जो मैंने हिदायत बताए हैं, सावधानियाँ बताई हैं, उसको आप ज़रूर अपनाइएगा। और साथ ही जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस टॉपिक पे आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही ज़्यादा लोग सवाल करते हैं और मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है। तो मैं सबको एक एक मैसेज करके देने से ज़्यादा ज़रूरी है समझता हूँ एक वीडियो बना दूँ, पब्लिक कर दूँ, ताकि लोग इसके बारे में समझ सकें। और वो सवाल ये है कि हम अपना जब प्लान दिखाते हैं तो भारत की नंबर वन कंपनी सेफ साहब को क्यों बताते हैं, या ये किस हद तक एक नंबर है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के बारे में बताया जाता है, तुलना की जाती है और आप देखें तो 1 नंबर 2 नंबर बताया जाता है। तो 1 नंबर 2 नंबर कैसे होता है, 1 नंबर 2 नंबर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ फुल प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया आज के इस वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।